Good morning, dear students. Hearty welcome to our English online class. I will give you winter holiday homeworks in this book. Book's name, Top That. This is your holiday homework books. In my previous class, we practiced worksheet number 6 to 17. Today, we will practice वर्कशीट नंबर 18 to 25. आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 18 से 25 तक प्रैक्टिस करवाएंगी. हमारा पहले वाला क्लास में हमने वर्कशीट 6 टू 17 प्रैक्टिस कर लिया था. देन ओपन वर्कशीट नंबर 18 पेज नंबर 20. वर्कशीट नंबर 18 page number 20. Make different words using the letters given in the petals. Each word should have the letters given in the center. One is done for you. इधर आपको एक picture की shape दिखा रखा है. ये picture shape में एक एक petal में एक एक letter लिखी है. सेंडर में आपको टू लेटर लिखा है. व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करना है, एक एक लेटर से हमको क्या लिखना है. ईच वर्ड शुड हैव द लेटर्स गिवन इन द सेंडर. इसको हम सेंडर वाली के साथ ज्वाइन करके वर्ड बनाना है. एक एग्जांपल हमको इधर दिया है. फर्स्ट वन एफ, सेंडर वाली ए एन, एफ ए एन फैन. इसी तरह हमको पूरा लेटर्स के साथ ज्वाइन करके वर्ड्स बनाना है. नेक्स्ट वन वी ए एन वैन, वी ए एन वैन. एम ए एन मैन. आपको एक एक लेटर को सेंडर वाली दो लेटर के साथ जोड़ के न्यू वर्ड बनाना है. आर ए एन रन, P A N pan, C A N can. In this way you have to do complete this page. इसी तरह आपको ये पूरी पेज को कंप्लीट करना है. It is very easy. सेंडर वाली लेटर्स को ये एक एक पेटल वाली लेटर्स के साथ ज्वाइन करके लिखना है. पी ई टी पैट, एन ई टी नेट, एम ई टी मैट, एल ई टी लेट, जे ई टी जेट, जी ई टी गेट. नेक्स्ट वन एच आई पी हिप, D I P dip, L I P leap, T I P tip, Z I P sip, S I P sip. एक एक लेटर को ये सेंडर वाली टू लेटर्स के साथ ज्वाइन करके वर्ड बनाना है. अभी थ्री और फ्लावर्स नीचे है, ये काम आपको अपना करना है. ऊपर मैडम जी ने दिखाया है कैसे कैसे आपको जोड़ के लिखना है. इसी तरह इसको भी इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 20, देन वर्कशीट नंबर 18. देन नेक्स्ट वी हैव टू टेक वर्कशीट नंबर 19. अभी आपको वर्कशीट नंबर 19 दिखाएंगे. वी हैव बीन गिवन सम पिक्चर्स. व्हाट वी हैव टू डू, we have to recognize the pictures and write the name. First we will identify the pictures and write the name. आपको ये pictures का नाम इनके साथ ये line में लिखना है. Then look carefully the pictures and identify it. What is this? What is this? Tin. Then spelling of tin, T I N, tin. Next one, what is this? Mug. Spelling of mug, M U G, mug. T O P, top. S I X, six. N I B,
निब। नेक्स्ट पिक्चर जे ई टी जेट, व्हाट इज दिस? बेड, स्पेलिंग ऑफ बेड बी ई डी बेड, बी ए जी बैग, बी यू एस बस। देन वर्कशीट नंबर 19 फिनिश्ड। देन टेक आउट वर्कशीट नंबर 20। राइट द वर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर एंड फाइंड ए न्यू वर्ड। इधर वी हैव बीन गिवन सम वर्ड्स, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रिवर्स ऑर्डर द वर्ड्स एंड राइट द न्यू वर्ड। हम लोग इसको उल्टा करके दूसरी वर्ड्स लिखना है। एग्जाम्पल दे रखी है हम लोगों को, एम यू जी मग, देन इसे न्यू वर्ड पहले एम यू जी, इसको हम उल्टा लिखेंगे। ये लास्ट लेटर पहले लिखना है जी, देन नेक्स्ट लेटर यू, देन लास्ट लेटर एम, जी यू एम गम। इसी तरह इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस पेज। टी ओ पी टॉप, द फर्स्ट लेटर पी लिखना है, क्यों? इस लाइन में लास्ट लेटर कौन सी आया है वो हम पहले लिखना है, उल्टा करके लिखना है। पी ओ टी पॉट, डब्ल्यू ए एस वास, तो हम इधर से स्टार्ट करना है, एस ए डब्ल्यू सो। राट टी ए आर टार, बी आई एन विन। इसी है दिया वाला वर्ड्स का उल्टा करके रिवर्स करके हमको लिखना है। टी ए पी टैप, पी ए टी पैट, पी ए एन पैन, एन ए पी नैप, बी ए टी बैट, टी ए बी टैब, एन ई टी नेट, टी ई एन टेन, टी आई पी टिप, पी आई टी फिट। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट वर्कशीट नंबर 20। देन टेक आउट वर्कशीट नंबर 21। मैच द शैडोज एंड राइट द नेम्स बिसाइड ईच पिक्चर। वी हैव बीन गिवन वन साइड सम पिक्चर्स, नेक्स्ट साइड गिव द शैडोज। इस पिक्चर्स को परिचय हमको दिया है, तो हम इसको पहले मैच करके, फर्स्ट वी हैव टू मैच द शैडोज एंड राइट द पिक्चर नेम। व्हाट इज दिस? पिक्चर ऑफ ए कैट, वेयर इज द शैडो ऑफ ए कैट? इसमें कैट के शैडो कौन सी था? दिस वन। देन वी हैव टू मैच इट। देन राइट द नेम, सी ए टी कैट। Then number 2, what is this? Top. Where is the shadow? This is the shadow of top. Then you have to write here T O P top. Number 3, what is this? Jug. We have to match the shadow of jug. Spelling of jug, J U G. Jug. What is this? Key. Where is the shadow of key? This is the shadow. Then we have to match it. Then spelling of key, K E Y key. Then finish worksheet number 21. Then take out worksheet number 22. Rhyming words. We have been given some words. What we have to do? We have to cross the odd one. इधर आपको एक picture दिया है, picture के साथ इसका same words भी दिया है, पर कुछ letters change, पर इनमें से एक अलग है। What is this? Hen. P E N pen. M A T mat. T E N ten. एम ई एन मैन, इन सबकी लास्ट लेटर ई एन में आया है। ये पेन हैन का लास्ट लेटर क्या है? ई एन, पर ओनली वन वर्ड डिफरेंट। देन वी हैव टू क्रॉस दिस वर्ड, कौन सी वर्ड अलग है उसको हम
क्रॉस करना ये रीड अलाउड एंड क्रॉस आउट द वर्ड्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द सेट। इसमें से ओड वन लिखना है, कौन सी अलग है उसको हम क्रॉस करना है। द नेक्स्ट वन बैग, बैग का लास्ट लेटर ए जी, देन वी हैव टू फाइंड आउट विच वर्ड इज सेपरेट डिफरेंट। एन ई टी नेट, टी ए जी टैग, आर ए जी डैग, डब्ल्यू ए जी वैग, विच वन इज डिफरेंट नेट। देन फैन लास्ट लेटर्स ए एन, कैन कैप वैन वैन, कैप इज डिफरेंट, इसका लास्ट लेटर ए पी, ए एन होना था इसका ए पी है, तो विच वन इज द डिफरेंट वी विल क्रॉस इट। विग फिग विग डिग फिट, दिस वन इज डिफरेंट। विन फिन फिन टिन फिन पैट, पैट इज डिफरेंट वर्ड, ओड वन इज फैट, देन वी हैव टू क्रॉस द वर्ड। कॉट कॉट हैज हॉट लॉट डॉट, हैज इज द ओड वन, वी हैव टू क्रॉस द वर्ड हैज। सन फन फैट बन रन, फैट इज द डिफरेंट वर्ड, वी हैव टू क्रॉस इट। हट कट रट कार बट, कार इज द ओड वन, वी हैव टू क्रॉस इट। जेट मेट लेट लिप गेट, दिस वर्ड इज डिफरेंट, वी हैव टू क्रॉस इट। देन वर्कशीट नंबर 22 आल्सो फिनिश। देन वर्कशीट नंबर 23, वी हैव बीन गिवन सम पिक्चर्स एंड वन वर्ड बुक, ये वर्ड बुक वी हैव टू गिवन सम वर्ड्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट द नेम। हमको ये वर्ड बुक में से सेलेक्ट करके इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना, उसके पहले ए ई आई ओ यू सब पिक्चर के ऊपर हमको वोवल्स भी दिया है, तो इस पिक्चर कौन सी वोवल से बिलोंग्स है उसको भी हम सर्किल करना है। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई द पिक्चर, व्हाट इज दिस बस, वर्ड बुक में चेक कर लेना बस कहाँ है, दिस इज बस। देन वी हैव टू राइट हियर बी यू एस बस, विच वोवल इज बिलोंग टू बस, वोवल यू, यू हैव टू सर्किल द वोवल, सर्किल द शॉर्ट वोवल एंड राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक। पहले वोवल को सर्किल करके वर्ड बैंक में से करेक्ट वर्ड निकाल के लिखना है। नेक्स्ट वन हेन, स्पेलिंग ऑफ हेन एच ई एन हेन, एच ई एन हेन, विच वोवल इज यूज इन वर्ड हेन, विच वोवल इज द करेक्ट वोवल ई। देन नेक्स्ट वन कैप, सी ए पी कैप, वोवल ए। box b o x box, vowel o। next one sun, s u n sun, which circle, no, sorry which vowel, vowel u, we have to circle the vowel। bed b e d bed, which vowel we have to use here, E, N E T net, here also we have to write vowel E। this one D O G dog, circle vowel O। mat M A T mat, vowel A। F I N fin, then we have to write here vowel I। J A M jam, which vowel we have to use the word jam, A। last one B U N one, B U N one, you।
you have to complete worksheet 23. Then now we will take out worksheet number 24. Filling the boxes with the missing vowel and read the words aloud. हमको क्या करना है? What we have to do? We have to write missing vowels and complete the word and read aloud. हमको कौन सी vowel इधर missing है? वो vowel लिखकर इस word को read करना है. First we will identify the picture. Cake. Which vowel is missing here? Vowel A. The next one, game. Vowel A. Tape. T-A-P-E. Tape. Lake. L-L-A-K-E. Lake. F-A-C-E. Face. G-A-T. Gate. T-A-I-L. Tail. C-A-G, cage. In these words, we have to use vowel A. ये पूरी words में हमको कौन सी vowel लिखना था? Vowel A. Then next take out worksheet number 25. Now we will practice worksheet number 25. Sound of E as a long vowel. Filling the boxes with the missing vowel, then read the words aloud. Same. इस पेज में कैसे हमने किया? सेम इसी तरह इस पेज को भी फिल करना है. वी हैव बीन गिवन सम पिक्चर्स एंड वी हैव वन लेटर इज मिसिंग द नेम्स. वी हैव टू राइट द करेक्ट वोवेल एंड कंप्लीट द वर्ड. व्हाट इज दिस? ट्री. स्पेलिंग ऑफ ट्री टी आर डब्ल्यू. फॉर वन लेटर ई इज मिसिंग हियर. वी हैव टू राइट हियर ई. वी B double E V L E A F leaf R E A D read B E A K beak P E A K peak M E A T meat J E double E P jeep. We have to use vowel E in these words. In some words में हमने कौन सी vowel use किया है? हमने in this इसमें हम लोग ने vowel E use किया है. In this way you have to complete worksheets 18 to 25. Rest of the worksheets we have practiced in the next class. आज आपको worksheet number 18 से लेकर 25 तक practice करना है. बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वर्कशीट्स नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिस दे देंगी. टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.